नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद नवल पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में 7 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, तो ये न्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने 1 से 2 नंबर को पक्का कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 7 हाई कोर्ट्स गेट न्यू चीफ जस्टिस। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड 7 चीफ जस्टिस टू 7 हाई कोर्ट्स। ऑल दीज अपॉइंटमेंट्स आर बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने 7 चीफ जस्टिस की नियुक्ति की है। ये सारी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद की गई है। अब इसको करने का रीज़न क्या था? तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, जो हमारे विधि मंत्रालय है, उसने ये कहा कि कई हाई कोर्ट के जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करने से ये पद खाली पड़े थे, तो इन पदों को फिल करने के लिए ये नियुक्तियाँ की गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ क्लैरिफाइड दैट ड्यू टू रीसेंट अपॉइंटमेंट्स टू सेवरल हाई कोर्ट जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल दिस पोस्ट रिमेन वैकेंट। तो इन पोस्ट को फिलअप करने के लिए ये सारी नियुक्तियाँ की गई है। नेक्स्ट, हु वेर एलिवेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। वो एक कौन से जज हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया या सुप्रीम कोर्ट पर एलिवेट किया गया है? वे हैं जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस कृष्णा मुरारी। इन जजों को सुप्रीम कोर्ट के पद पर नियुक्त किया गया है, तो इनके एलिवेट होने से सुप्रीम कोर्ट में जो पोस्ट खाली पड़ गए थे उनको फिलअप किया गया है, उसकी ये सब नियुक्तियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें उन जजों के नाम हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो ये आपको बाई हर्ट याद होना चाहिए, इसे आप ध्यान से देखिए। पहला, जस्टिस एस मणिकुमार, इन्हें केरल के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस अजय लंबा, इन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस इंद्रजीत मोहंती, इन्हें राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। जस्टिस रविशंकर झा, इन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, इन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। जस्टिस जेके महेश्वरी, इन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। एंड जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, इन्हें सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट या नियुक्त किया गया है, इसे आप ध्यान से मेमोराइज करिए। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज बनने का क्वालिफिकेशन क्या है? पहला, ही और शी बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारतीय नागरिक हों। दूसरा, नॉट अबव 62 ईयर्स ऑफ एज, 62 ईयर्स से ऊपर का एज नहीं होना चाहिए। शुड हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया। कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जुडिशियल ऑफिस भारत में होल्ड करने का, या तो फिर शुड हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन, या तो फिर आपके पास एडवोकेट हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस हो। मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि हाई कोर्ट के जज बनने का क्वालिफिकेशन क्या है। पहला है भारतीय नागरिक होना, दूसरा है 62 साल से ज़्यादा का उम्र नहीं होना, नॉट मोर देन 62 ईयर्स ऑफ एज। तीसरा, 10 साल का एक्सपीरियंस हो भारत में जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करने का, या तो फिर 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट और रिमूवल की प्रक्रिया। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट। जितने भी हमारे जज हैं हाई कोर्ट्स के, इन्हें प्रेजिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। रिमूवल को देखें तो ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेजिडेंट। अगर चीफ जस्टिस खुद से रिजाइन करना चाहे तो वो प्रेजिडेंट को लिखकर इसकी सूचना दे सकता है और खुद रिजाइन कर सकता है, एक तरीका ये है।
दूसरा तरीका होता है रिमूवल का, ट्रांसफ़र का। जब किसी चीफ जस्टिस को किसी हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके दूसरे हाई कोर्ट में भेजते हैं तो ऑलरेडी वो उस हाई कोर्ट में रिज़ाइन हो जाता है, जैसा अभी के केस में हुआ है। इसलिए 7 नए जजों की यहाँ नियुक्ति की गई है, तो जहाँ से इनको नियुक्त किया गया है वहाँ से इन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। तो सेकंड पॉइंट तो ये हुआ, बाई ट्रांसफ़र भी रिमूव होते हैं, और पहला स्वयं अपनी इच्छा से प्रेजिडेंट को लिख कर भी रिज़ाइन कर सकते हैं। तीसरा होता है बाय रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाए। लेकिन इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का केस है वैसे ही हाई कोर्ट के जज का भी केस होता है। हाई कोर्ट के भी जज को हम तभी रिमूव कर सकते हैं जब ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी हो। जब ये ग्राउंड्स फुलफिल करेंगे तभी हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्लियर है? तो गाइज ये था हमारे आज के अपॉइंटमेंट्स, और ये था हमारे आज के जो 7 चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया था इसके ऊपर ये वीडियो। आप इस वीडियो को गौर से देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस और भी लाएंगे जो आपकी GS सेक्शन में मदद करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।